इस बार बिहार में जिस तरीके से परीक्षा व्यवस्था की कमान संभाली गई, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। कारण है कि इस परीक्षा केंद्रों पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ये हाल एक शहर का नहीं बल्कि पूरे बिहार का है। चौकस परीक्षा व्यवस्था की ये तस्वीरें बिहार से आ रही है, जहाँ परीक्षा के लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। परीक्षा के दौरान छात्र नकल न करे, इसके लिए सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा के पहले छात्र और छात्राओं के जूते खुलवा लिए गए हैं, तो परीक्षा केंद्रों पर खिड़कियों से नकल की चिट पुर्जे न पहुंचे, इसके लिए स्कूलों की खिड़कियां सील कर दी गई है। वही आज एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि कैसे दीवार फांद कर छात्राएं कैसे परीक्षा हॉल में जाती दिख रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आइए हम एक बार फिर आपको ये वीडियो दिखाते हैं। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बिहार में बोर्ड के नियम ताक पर, जहां एक तरफ बोर्ड ने मेन गेट पर सुरक्षा बल तैनात कर परीक्षा में देर होने पर प्रवेश नहीं होने का ऑर्डर जारी किया, जी हां, इसी कारण छात्राएं दीवार फांदने पर मजबूर है। वही प्रशासन ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। इस संदर्भ में गया के जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि सभी छात्र छात्राओं के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि 9:20 और 1:35 तक अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। देखिए, इसमें एडमिट कार्ड में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, सभी के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है आपको 9:20 तक पहुंचना है, आपको 1:35 तक पहुंचना है। और जब कोई नियम बनाया जाता है उसका कई कारण होता है, उस नियम को हम लोग फॉलो करना होगा। कल पहला दिन था, इसलिए कुछ जगहों पर खासकर छात्राओं या आदि आश्मी में या हसत मोहानी में हम लोगों ने एक हल्का सा रिलैक्सेशन दिया था। आज के बाद से रिलैक्सेशन उपलब्ध नहीं होगा। सभी लोगों से अनुरोध होगा कि अपने घर से जल्दी निकलें, समय पर निकलें, प्रयास करें सेंटर अपना कम से कम आधा घंटा या घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि फ्रिस्किंग का भी टाइम लगता है। ये आप सबके भविष्य की बात है, इस भविष्य के लिए आप जिन छोटी छोटी चीज़ों पर उस पर निर्भर ना करें। और आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर आप टाइम पे पहुँचते हैं तो कोई आपको सुविधा नहीं होगी। वही बिहार के सहरसा जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा हुई। परीक्षा के पहले दिन ही सहरसा के इवनिंग कॉलेज से दो मुन्ना भाई को दूसरे के बदले परीक्षा देते हुए जिला प्रशासन ने हिरासत में लिया। टीचर ने जब परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड का मिलान किया तो दोनों की तस्वीरों में कुछ बदलाव नजर आया। साथ ही ये दोनों मुन्ना भाई कुछ जवाब नहीं दे पाए। जब ज्यादा छानबीन और पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों फर्जी तरीके से दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे हैं। इन दोनों को इस परीक्षा के एवज में एडवांस के तौर पर 2,000 रुपए दिए गए थे। 2,000 रुपया मिला। कौन है इमरान इकरम? जमालपुर का। तुम कहाँ का रहने वाला? गोगरी का। तुम कहाँ का रहने वाला? गोगरी का। मतलब पैसा लेकर दूसरे के बदला एग्जाम दे रहे थे? हाँ सर, पहली बार बैठे। क्या नाम तुम्हारा? फिरदौस। पूरे परीक्षा का 2,000 लिया था फिरदौस। यहाँ क्या कर रहे थे? एग्जाम देने। किसके बदले? कितना पैसा मिला था? पैसा नहीं। तो क्या देने का बात कर रहे हैं? मिला था देने के बाद। परीक्षा देने के बाद देता पैसा? कितना पैसा? पैसा नहीं बोला था, दीजिए पहले पैसा। मतलब रिजल्ट आने के बाद मिलता? तू क्या नाम? कितना पैसा मिलता? क्या नाम? नहीं दिए है पहली बार। क्या नाम हुआ? किसका नाम? रिश्ता का। कहाँ के रहने वाले हो? वही सहरसा के एसडीएम शंभुनाथ झा ने बताया कि इन दोनों को इस परीक्षा के एवज में एडवांस के तौर पर 2,000 रुपए दिए गए थे। और बिच्छट के द्वारा जो रूम में जो जांच की जा रही थी एडमिट कार्ड के कार्ड, तो उसी समय जो है ना उसका फोटो डिफरेंट था, और वो उसे पूछने पर वो क्लियर जवाब नहीं दे पाया, तो डिटेल निकाल लेते हैं उसका। तो उसमें जब गहनता से जाँच की गई तो पता चला ये दूसरे के बदले में परीक्षा दे रहे हैं। जाहिर है कि इस बार सरकार परीक्षा में ढिलाई की बिल्कुल मूड में नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट कैसा होगा। गया से बिमलेंदु चैतन्य और सहरसा से धीरज के साथ बिहार तक।